Good afternoon, myself Apoorva Vajpayee from Civil Department, and my today's topic is for Transportation Engineering, Unit 2, Traffic Engineering. Here we are going to discuss. ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में ट्रैफिक की वॉल्यूम डिज़ाइनिंग, इसका हमें ज्ञात होना, मतलब हमें पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर रोड में कितना ट्रैफिक जाएगा, वहाँ पे कोई जाम ना लग सके, है ना। हम ऐसा डिज़ाइन करें ट्रैफिक को, मतलब रोड को, कि ट्रैफिक स्मूथली और सेफली और इकोनॉमिकली हो सके। ट्रैफिक इंजीनियरिंग करता क्या है, वो बेसिकली डील करता है प्लानिंग एंड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ स्ट्रीट, हाईवे, ये सबसे। नाउ अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, क्या क्या स्कोप है ट्रैफिक इंजीनियरिंग की। बेसिकली ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, वो ये है कि हमारा जो मतलब फ्लो है वॉल्यूम ट्रैफिक का, वो फ्रीली रैपिडली हो सके, ताकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट कम हो ट्रैफिक के कारण। ये चीज़ को ध्यान में रख के हम ये करते हैं ट्रैफिक का डिज़ाइनिंग। नाउ स्टडी ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग मे बी डिवाइडेड इंटू 6 सेक्शंस। पहला तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड है ट्रैफिक स्टडीज, थर्ड है ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल एंड रेगुलेशन जिसमें आता है, फोर्थ है प्लानिंग एंड एनालिसिस, फिफ्थ है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और सिक्स्थ है एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक फैसिलिटी को डिज़ाइन करने के लिए। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो बोलते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन किस काम के लिए किस मोटिव से निकल रहा है रोड मूविंग, है ना। ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है, व्हीकल की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, वॉल्यूम कितनी है आपकी रोड में उस पे भी डिपेंड करता है, ट्रैवल पैटर्न, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें डिपेंड करता है ट्रैफिक का कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ अब हम देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रोड यूज़र को अफेक्ट करते हैं। तो पहला तो है फिजिकल फैक्टर, दूसरा मेंटल, तीसरा साइकोलॉजिकल और चौथा है इन्वायरमेंटल। ये चार फैक्टर हैं जो रोड यूज़र्स को अफेक्ट करते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड यूज़र होता क्या है, या तो वो टेम्प्रेरी होता है या तो परमानेंट। टेम्प्रेरी ये हुआ कि आप किसी मूड में जा रहे हो तो अब आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, कि आपका मूड कैसा डिपेंड करता है। और आपका परमानेंट कैरेक्टर क्या हुआ, जैसे कि आपको दिखाई नहीं देता है, आपको सुनाई कम देता है, ये जो है परमानेंट सिचुएशन होते हैं जो कि आपके ट्रैफिक में ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं रोड यूज़र को। विजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर आपको अच्छे से दिखेगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं। इनकेस अगर आपको मोड़ में ध्यान नहीं है और आपको दिख नहीं रहा है कि आगे से किस तरफ से गाड़ी आ रही है, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ज़्यादा है। वैसे हियरिंग भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप सही से सुन नहीं सकते हैं तो पीछे से कोई गाड़ी हॉर्न बजा रही है और आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कट मारना है, तो ये जो है ये सब जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आते हैं। सेकेंड है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कि आप मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं है, आपको नॉलेज है कि नहीं है कि गाड़ी किस तरीके से चलानी है, वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको व्हीकल का नॉलेज होना, ट्रैफिक का बिहेवियर का नॉलेज होना, ड्राइविंग प्रैक्टिस होना, रूल्स एंड रेगुलेशन जानना, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है रोड यूज़र को, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स पड़ता है इसीलिए। नाउ थर्ड जो है आपका साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है, ये अफेक्ट करता है ट्रैफिक सॉल्यूशन ऑफ रोड्स में। मतलब कि अगर आप इमोशनली वीक हो, मतलब आप एंगर जल्दी आता है, ट्रैफिक सिचुएशन से आप देर तक डील नहीं कर सकते, आपको वेटिंग पसंद नहीं है, या फिर आप रूल्स रेगुलेशन तोड़ रहे हैं, तो ये जो है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो ये है आपके, मतलब आपके दिमाग किस टाइप से चल रहा है उस पीरियड में, उस ट्रैफिक सिचुएशन में, ये हुआ आपका ट्रैफिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ जो है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होता है, बेसिकली अफेक्ट करता है बिहेवियर ऑफ रोड यूज़र, कि हमारा बिहेवियर कैसे है। इनकेस अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं, हम रॉन्ग वे में चले जाएंगे ताकि हमको जल्दी, हमारा टाइम कंज्यूम मत हो, हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, मतलब हम गलत वे यूज़ करते हैं और ट्रैफिक से डील नहीं कर पाते। तो ये जो है ये अफेक्ट करता है, ये सब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे ट्रैफिक में।